दिस वीडियो इज रिलेटेड टू सैमसॉल हेयर कलर जो कि पाकिस्तान में लोकल शॉप में बहुत इजीली अवेलेबल है बहुत ही रिजनेबल प्राइस के साथ। प्राइस मैं आपको बता दूं, इसकी प्राइस है 170 रुपीज़ और क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी इसमें कम्प्रोमाइज नहीं है। इसके पैक के कंटेंट्स कम्प्रोमाइज किए गए हैं, लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं कम प्राइस की वजह से, अदरवाइज क्वालिटी इज नॉट बैड। दिस इज अ हेयर कलर, जाहिर है अमोनिया वगैरह जिससे केमिकल्स होंगे, लेकिन इतना भी ये बालों को डैमेज आउट नहीं करता। मैंने खुद ट्राई और टेस्ट किया इसको। ग्रे हेयर को कवर करने के लिए अगर आपको कलर चाहिए, या फिर फैशन हेयर कलर यानी बालों के कलर चेंज करने के लिए जो कि आजकल फैशन में इन है, अगर आप देख रहे हैं तो ये कलर में इन्वेस्ट करना इज अ गुड थिंग, बिकॉज इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज नहीं है। इसके पैक में आपको मिलता है क्रीम कलर, क्रीम डेवलपर, दोनों 50-50 ml के, और उसके अलावा एक पेयर ऑफ ग्लव्स। सैमसॉल हेयर कलर में 12 फैशन शेड्स आए हैं जो इसकी न्यूली लॉन्च जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें, तो 12 शेड्स जो हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ। ये सामने आप देख भी रहे हैं, अदरवाइज मैं सबके नाम के साथ मेंशन कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख लें। तो बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, बहुत ईजी एप्लीकेशन है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पैक में अंदर दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब आप इसको अप्लाई करते हैं, अगर डायरेक्ट बालों पे अप्लाई करते हैं तो इसका शेड बालों का थोड़ा चेंज करेगा। जो मेरे पास ये शेड है दैट इज नंबर 7 मौका, जो कि गोल्डनिश ब्राउन कलर है। मेरे बालों का जो असल कलर है दैट इज जेट ब्लैक कलर, प्योर ब्लैक, तो उस पर मैंने जब डायरेक्टली अप्लाई किया तो इसने बालों का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश कर दिया, मतलब डार्क ब्राउन शेड में चले गए बाल। उसके अलावा अगर एग्जैक्टली जो पैक पे दिए गए कलर है ऐसा ही आपने अचीव करना है, तो उसके लिए आपको पहले बालों की ब्लीचिंग करनी पड़ती है, कट डाउन कहते हैं उसको, ब्लीचिंग करके बालों का असली कलर फेड ऑफ करके उसके बाद डिजायर्ड कलर अप्लाई किया जाता है, लेकिन दैट इज सो मच हार्मफुल टू द हेयर, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करती किसी को भी। सो व्हेन आई अप्लाइड दिस कलर टू माई हेयर, तो ये इस तरह का डार्कर ब्राउन शेड अचीव हुआ आफ्टर अप्लाइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। आई थिंक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, इसकी प्राइस हो गई, पैकेजिंग हो गई, उसके बाद एप्लीकेशन का भी मैंने बता दिया, कलर जो अचीव होता है वो भी बता दिया, इसके सारे शेड्स भी बता दिया। अगर कोई चीज़ मिस हो गई मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फैशन शेड, तो इनके जो दिए गए 12 शेड्स हैं इसमें बहुत अच्छे आए हुए हैं, अदरवाइज बाकी जो आपके पास ऑप्शन होंगे उसमें रेवलॉन आ जाता है, उसके अलावा लोरियल भी आ जाता है। मैंने उनके भी फैशन शेड्स बहुत सारे ट्राई आउट किए हैं, अगर आपको उसके रिव्यूज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।